राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार रात हुए सांप्रदायिक झगड़े के बाद आज पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक जयपुर में गलता गेट, रामगंज, सुभाष चौक समेत कई इलाकों में सोमवार रात से धारा 144 लागू कर दी गई है। जयपुर में सोमवार की रात दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 9 पुलिसकर्मियों सहित 24 लोग घायल हो गए। उपद्रव के बाद एहतियातन 10 थाना क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा रात तक के लिए निलंबित कर दी गई थी और आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये बवाल उस समय भड़का जब एक पक्ष के लोग गलता गेट के समीप दिल्ली हाईवे जाम कर रहे थे। इसी बीच हरिद्वार जाने वाली बस पर किसी ने पत्थरबाजी कर दी। इस घटना में कुछ बस यात्रियों के चोटीले होने के बाद एक अफवाह उड़ी और दूसरे समुदाय के लोग भी सड़क पर उतर गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को भी भीड़ ने नहीं बख्शा। पुलिस के अनुसार उत्तेजित भीड़ ने लगभग आधा दर्जन कारों के शीशे तोड़े, वहीं दो पहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त किए। पुलिस के अनुसार तनाव की शुरुआत रविवार को हुई थी। एडिशनल पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर सरकारी कर्मचारियों के कार्यों में बाधा डालने, राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध करने और पुलिस पर हमला करने के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। न्यूज़ डेस्क।